नमस्कार दिव्य सज्जनों भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानी बाबू जी के एक और नए खूबसूरत ब्लॉग के अंदर, जिसके अंदर अपन है अभी सामोद के अंदर, वीर सामोद हनुमान जी का मंदिर, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे मस्त पहाड़ों की ऊंचाइयों में, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्लॉग आ रहा है। और मतलब ये देखो, बादल वादल काफ़ी मस्त से आ रखे हैं, बारिश का मौसम हो रखा है तगड़ा। और आप लोगों को भी अगर यहाँ पे घूमना हो तो जयपुर से 30 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी बाइक या गाड़ी वगैरह से आ सकते हो, कोई मतलब पब्लिक व्हीकल तो मतलब ट्रेन वगैरह तो अवेलेबल है नहीं, बट हाँ बसेज वगैरह चलती है, ठीक है। और ये खाटू श्याम जी के रूट पर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है रुकने के लिए। और मतलब यहाँ पे मंदिर है तो दर्शन वगैरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी तो मंदिर बंद है कोरोना के चक्कर में, बट ठीक है, तो फटाफट से व्यू को एंजॉय कर लो और फिर अपन चलेंगे वापस जयपुर यार, क्योंकि बहुत सारे काम है। तो मैं नीचे उतर चुके हैं और वी आर गुड टू गो। और जो आप ये पीछे ये वाली लोकेशन देख रहे हो ना, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, अभी अपन यहाँ पर थे और उसका रास्ता वो रहा वहाँ पर, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये रहा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो और मतलब अराउंड 700 सीढ़ियाँ हैं, तो काफ़ी मतलब थकावट होगी, बट यार ठीक है, 700 को अगर आप अराउंड 5 से 6 के उसमें लैप्स में करोगे तो कंप्लीट हो जाएगी आसानी से। मतलब मैंने अराउंड 150-150 के लैप्स में करी थी, 130-150 के लैप्स में, तो काफ़ी आसानी से हो गई थी, ठीक है। बट पसीने वसीने खूब आए, कैलोरीज वगैरह खूब मचा के, ठीक है, पर काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। तो एक बार वर्थ है आना, और अगर कोशिश करो कि अगर अच्छे मौसम में आ जाओ, जैसे कि अब आप मेरे टाइम पे देखो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बादल वादल आ रखे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप उस समय पर आ जाओ ना तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। और ये देखो आप पूरा व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये पूरे पार्किंग लॉट वगैरह है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर वैसे खाने पीने का भी, प्रसादी वगैरह का भी सिस्टम होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं हम जयपुर के अंदर, है ना। नहीं आज तारीख हो चुकी है 9 सितंबर 2020, और भाई आज क्या खास है ऐसा पूछोगे, क्योंकि अपन व्लॉग हमेशा खास मोमेंट में करते हैं, आज कुछ खास नहीं है। बट यार आज क्या है, बहुत सारा काम था मार्केट वगैरह का, तो सोचा क्यों ना तुम लोगों को भी जयपुर का मार्केट घुमा दें, जहाँ पे भाई अभी अपने को कुछ सामान खरीदना है, जैसे पावर बैंक वगैरह। मेरे को क्या एक्चुअल में वायरलेस वाला पावर बैंक लेना है, ठीक है, और अगर उनके पास मेरे को अवेलेबल हुआ तो मैं एक MI का सिक्योरिटी कैमरा भी, मेरे को 2 लेने थे, ठीक है, एक तो नए स्टूडियो के लिए और एक हमारी फैक्ट्री के लिए। और उसी के अलावा भाई साहब अपने इस हेलमेट का वाइजर चेंज करवाने वाला हूँ, क्योंकि यार अब थोड़ी बहुत ट्रिप्स वगैरह प्लान्ड है, तो यार सोच रहा हूँ कि यार वाइजर बदलवा लें, क्योंकि वाइजर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ चुके हैं वाइजर पे, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, जो विजिबिलिटी है ना उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं रह पाती, और या फिर अगर आपको विजिबिलिटी पूरी चाहिए तो वाइजर हटा के करना पड़ चलाने पड़ती है गाड़ी, ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता। तो इस वजह से क्या है, वाइजर बदलवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मैंने वाइजर बदलवाने का सोच लिया। तो अभी जब जा रहे हैं तो वहाँ पे वाइजर भी बदलवा लेंगे, ठीक है। बाकी मेरा प्लान था कि यार आज ये कंप्यूटर भी, मेरे को PC भी बिल्ड करवाना था मैं हमारे शॉप के लिए, बट यार वो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अभी श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, और आप लोग जानते हो अपन हिंदुत्व में कितना वो चलता है श्राद्ध वगैरह का, ठीक है। तो इस वजह से क्या, घर वालों ने मना कर दिया कि भाई अभी मत बनवाओ, बाद में बनवा लेना, ठीक है। तो ये तो है ही है, अब चलते हैं फटाफट से शॉप पे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे बात करते हैं कि भाई कैसे क्या, कौन सा लेना है, क्या लेना है, कितने का लेना है। सो अभी अपन आए हुए थे पिंक स्क्वायर मॉल, मैंने आपको बताया था कि भाई सामान लेना था, तो ये एक MI का बेसिक सिक्योरिटी वायरलेस कैमरा खरीदा था, क्योंकि यार वो स्टूडियो के बाहर सिक्योरिटी वगैरह के हिसाब से लेना था, ठीक है। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 1800 रुपये का, ठीक है, सारे टैक्स वैक्स सब मिला के 1800 रुपये का पड़ा। और मैंने ऑफलाइन लेना इसलिए ज़्यादा सही समझा, क्योंकि यार थोड़ा मेरे को इधर आके मेरे को इस चीज़ को देखना भी था, ये कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो मैंने इसकी लाइव व्यूइंग वगैरह देखी, क्वालिटी के मामले में अच्छा है। अगर आप लोग कहोगे तो भाई रिव्यू अपन अपने चैनल पर डाल देंगे इसका, ठीक है।
और मतलब काफ़ी अच्छा कैमरा है, मैंने क्वालिटी वगैरह टेस्ट कर ली है। और मेरा एक प्लान है, मैं एक वायरलेस चार्जर भी लूँगा, बट क्या यार ये लोग कैश ही ले रहे हैं, मतलब UPI और सिर्फ UPI ले रहे हैं, बट मेरे को वॉलेट पे करना है। तो मतलब मेरे को फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसको एस्ट्रल सिस्टम से ले लूँ, जो कि आपको पता है जिससे अपन ने नोट 20 अल्ट्रा लिया था, तो एस्ट्रल सिस्टम से पावर बैंक ले लेंगे और यहाँ से अपन ने ये ले ही लिया, ठीक है। सो अभी अपन आ चुके हैं एस्ट्रल सिस्टम। अगर आप लोगों ने मेरी S20 वाली वीडियो नहीं देखी, नोट 20 वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ यार, जितना भी मैं फ़ोन वगैरह लेता हूँ तो काफ़ी अच्छी डील दिला देता है मेरे को। तो अभी अपन लेने आए हैं पावर बैंक, और ये वायरलेस चार्जिंग वाला है, तो काफ़ी अपना आईफोन वगैरह चार्ज बहुत मस्त हो जाएगा ना यार, इस वजह से थोड़ा ईजी टू यूज़ रहेगा। और फिलहाल ये पावर बैंक को पड़ रहा है 2500 रुपये का, मतलब ऑन द सेम रेट है, बट ठीक है, छोटा मोटा डिस्काउंट, बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं भैया अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आना हो तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में, जो कि नोट 20 वाली वीडियो थी, उसमें भी देख तो लिया ही होगा, मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखी थी डिटेल, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो और इधर भी दिख जाएगी। यहाँ से अगर आप लोगों को जयपुर में, और अगर आपको कोई भी मोबाइल वगैरह कोई मस्त डिस्काउंट पे चाहिए, तो यहाँ से आकर ले सकते हो, ठीक है। सो पावर बैंक अपन ने ले लिया है, और भाई जो इसकी मेरे को फाइनल प्राइसिंग पड़ी ना, मेरे को पड़ी 2450 की, मतलब 50 रुपये का ऑनलाइन, और मतलब ऑफलाइन से थोड़ा सस्ता पड़ गया। अगर आप लोगों को कोई भी आइटम लेना हो तो भाई यहाँ आकर आप लोग मेरा नाम ले सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब अराउंड 2-5% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो आप आ सकते हो इधर, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं घर, वहाँ पे बहुत सारा काम है, फिर अपन बात करेंगे अभी। सो 9 तारीख से आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2020। अब हुआ क्या था कि भाई घर तो आ चुके थे भाई टाइम से, बट दिक्कत ये हो गई कि यार जो मेरे को काम था ना, मैं वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरा ये थी कि मैंने एंडिंग वेंडिंग भी नहीं बना रखी थी, और मैं व्लॉग को आज एडिट करने बैठा हूँ क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत वबीयत भी ख़राब थी, और इसके ऊपर मैं डेडिकेटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मेरे को भाई मैंने अब जाके अब इसकी एंडिंग बना रहा हूँ, अब जो मैं वो ये व्लॉग का एंडिंग बनेगा, क्योंकि मैं व्लॉग के एंडिंग करना भूल गया था, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे की है, और मतलब बहुत अजीब सा काम हो जाता है कई बार व्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि मैं उसके इंट्रो आउट्रो बनाने भूल जाता हूँ, मतलब मैं एंडिंग और स्टार्टिंग करना भूल जाता हूँ, तो ये अक्सर एक दिक्कत होती है मेरे साथ, ठीक है। अगर आप लोग व्लॉगर हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि यार ये दिक्कतें कई बार आ जाती है, बट उम्मीद है एट द एंड आप लोगों को मेहनत पसंद आती है, बस वो मैटर करता है। इसी के साथ अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया ना, तो भाई प्लीज़ यार लाइक का बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अपने प्यारे प्यारे थॉट्स कमेंट में ज़रूर ज़रूर देकर जाना। इसी के साथ एज ऑलवेज शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।